खैर हम छतरी राजपूत जाति के हो मारे ते फिर रोवेगी बन जा रे की धारा मारे ते फिर रोवेगी उस धारा हम छतरी राजपूत जात के हम छतरी राजपूत जात के मारे नहीं मरण का टाड़ा इब मारे ते फिर रोवेगी उस बन जा रे छतरी राजपूत जात के मारे नहीं मरण का डाला और इब मारे ते फिर रोवेगी बनजारे की ढाला। वो बनजारा कौन था, कहां का रहने वाला था, कितना बड़ा साहूकार था और कैसे उसके टोटा जाता है क्या बताया। जिक्र करूं एक समय का जिक्र करूं एक लखी था बनजारा 352 सर की जिसके सब तेला बलारा 352 सर की बालकपन में एक काला कुत्ता जो लगे जानते है प्यारा ओ आने वाला है टोटा जाता है बंजारे के और टोटे में लाहौर शहर को छोड़ के चल देता है और कहां पहुंच जाता है कि बताया वक्त नूर को बेनूर बना देता है जख्म छोटा सा नासूर बना देता है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये जो वक्त होता है ये इंसान को मजबूर बना देता है। मजबूरी के कारण लाहौर शहर को छोड़कर आगरा शहर में पहुंच जाता है बंजारा और आगे क्या होता है बंजारे की गैर क्या बताया।
कई रोज हुए, कई रोज हुए, चलते चलते फिर शहर आगरे में आया। कई रोज हुए, चलते चलते शहर आगरे में आया। ढलती फिरती छाया हो से, ढलती फिरती छाया हो से, तोते ने घना सताया। एक लाला पे, एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। हर 20,000 रुपए लेके दिया, 20,000 रुपए लेके दिया, कुत्ता छोड़ रुखाड़ा। एक लाला जी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि लाला जी, मैं इस शहर में परदेसी हूँ, मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, आप मुझे 20,000 रुपए का कर्जा दे दीजिए। जब मेरे पास 20,000 और उसका ब्याज हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि आपका ब्याज सहित वापस करके जाऊंगा। लाला जी यूं कहने लगा कि अरे तू परदेसी है और जात का पंसारा है, आज कहीं तेरा डेरा है, कल कहीं तेरा डेरा है, मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे भरोसा करूं कि तू मेरे 20,000 रुपए ब्याज सहित वापस करके जाएगा। तो वो बंजारा अपने कुत्ते को लाला जी के यहाँ गिरवी रख देता है। 20,000 रुपए में कुत्ते को गिरवी रख दिया। प्रेमी श्रोताओ, एक साल हो गया, एक साल के बाद लाला जी के घर में चोर घुस जाते हैं और चोरी कैसे करते हैं, कैसे वो कुत्ता नजारा देखता है, क्या बताया। जब धन लुटिया वो कुत्ता खड़गाल में, चोरा ने जब धन लुटिया वो कुत्ता खड़गाल में, चोरा ने धन लूट लूट के जाता प्या एक ताल में, दिन लिकड़िया जब पीड़ी पट्टी वो कुत्ता लाया माल ने, लाला जी राजी हो गया। जब दमड़ी तक Oh,
कि शायद ये लाला को और लाला के परिवार को मार दे। कुत्ते ने होशियारी से काम लिया प्रेमी श्रोताओं, चोरों को चोरी करते हुए देखा और उन चोरों ने उस धन दौलत को कहां छुपाया था। कुत्ते ने पीछा करके चोरों का ये भी देखा कि कहां उन्होंने उस माल को छुपाया। सुबह हुई, दिन निकला, लाला जी को पता चला कि तेरे जीवन भर की कमाई पाई पाई को चोर काट के ले गए। सिर में हाथ मार के रोने लगा कि हाय राम, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मेरी पाई पाई चोर काट के ले गए, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। दूसरी तरफ जब कुत्ते ने लाला जी का ये हाल देखा तो कुत्ते से रहा नहीं गया। कुत्ते ने लाला जी को धोती को खींचना शुरू कर दिया और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कहते लाला जी बड़ा समझदार था, लाला जी समझ गया कि ये कुत्ता मुझसे कुछ जरूर कहना चाहता है। लाला जी की धोती को खींचना शुरू कर दिया और धोती को खींच खींच के भागने लगा। लाला जी पीछे और कुत्ता आगे आगे चल रहा है। वहां पे जाके लाला जी की धोती को छोड़ दिया जिस तालाब के अंदर उन चोरों ने उस माल को छुपाया था। और जहां उस चोरों ने उस माल को छुपाया, कुत्ते ने अपने पंजे से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। लाला जी ने सोचा कि जरूर यहाँ पे कुछ है जो ये कुत्ता मुझे बताना चाहता है। लाला जी ने दो चार आदमियों को बुलवा के वहां से खुदवाया तो लाला जी की पाई पाई वापस मिल गई। प्रेमी श्रोता बड़ा राजी हो गया लाला जी की, वारे कुत्ते वाह, अरे अपना खुद का बेटा इतना फर्ज नहीं निभाता जितना फर्ज आज तूने निभाया है। तेरा मालिक सही कहता था, तू कुत्ता नहीं, तू तो एक बेटे के बराबर काम करता है, बेटा है। लाला जी राजी हो गया और राजी होकर एक चिट्ठी लिख दी कि बंजारे तेरा कुत्ता बड़ा वफादार है, तेरे 20,000 भी वसूल हो गए और उनका ब्याज भी वसूल हो गया। आज मैं तेरे कुत्ते को आजाद करता हूँ, ये कुत्ता अब तेरे पास रह सकता है। इनाम के तौर पे जो भी इनाम उस लाला जी ने कुत्ते के गले में बांधा था वो और एक चिट्ठी बांधी और कुत्ते को आजाद कर दिया। कई रोज हो जाते हैं चलते चलते, कई रोज के बाद जब कुत्ता थक जाता है तो दूर से नजर पड़ी कि मेरा मालिक वहां बैठा है। बड़ी उमा में बड़ी खुशी के साथ वो कुत्ता भागा हुआ मालिक की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ बंजारा बैठा है सिर को पकड़ के कि कहां से 20,000 रुपए आएंगे और कहां से ब्याज आएगा, कैसे मैं अपने कुत्ते को छुड़ा के लाऊंगा। और जब बंजारे की नजर कुत्ते पे पड़ी तो बंजारे ने, क्योंकि कहते हैं कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। समय ने ऐसी बुद्धि फेरी बंजारे की, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बिना सोचे समझे अपना देसी कट्टा उठाकर कुत्ते को गोली से मार देता है। और जब कुत्ते के पास बंजारे ने जाके देखा, गले में बंधी हुई चिट्ठी को पढ़ के देखा तो बताते हैं प्रेमी श्रोताओं कि बंजारा खून की आंसू रोया था। इस रागनी से दादा लक्ष्मीचंद जी ने ये भी सीख दी है कि इंसान को बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे पछताना हो जाएगा जैसे लक्ष्मी बंजारा कुत्ते को मार के पछताया था। अंतिम लाइनों में क्या लिखा, कुत्ता वहां से चलिया बेचारा, 5-7-10 रोज चलिया फिर मिलिया उसे बंजारा। 5-7-10 रोज चलिया फिर मिलिया उसे बंजारा। हर बंजारे नहीं जान के वो कुत्ता जीत मारा, गले में बंधी पट्टी देखी, गले में बंधी चिट्ठी देखी, हाथ फेर पुचकारा, गले में बंधी।